इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव निकट आते जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा में मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे हैं। राव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा लगातार ही अपनी विधानसभा में लोगों के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान रहवासियों द्वारा जगह जगह बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने अपनी मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। मधु वर्मा ने रहवासियों की समस्याएं सुनकर आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वर्मा द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा राव विधानसभा में पानी की टंकी, सड़क, लाइट, ड्रेनेज के साथ ही बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासकीय स्कूल का निर्माण किया गया। वहीं राव विधानसभा में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या यातायात की है, जिसे बाईपास से लगे कॉलोनी में वाहनों की लंबी लंबी कतार लग जाती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं वर्मा द्वारा खंडवा नाका से न्यू देवास रोड के बीच न्यू ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे आम जनता को सहूलियत मिलेगी। निश्चित है कि आने वाले समय में उसकी हमने कुछ कॉलोनी तो जैसे संपत वगैरह है, ब्रज नैनी है, हमारी गिरधर कॉलोनी है, हिम्मत नगर है, ऐसे बहुत सारी कॉलोनी मैंने मतलब पीछे पड़ के जहाँ जाके लोग सक्रिय हुए, जिनका रहवासी संघ बनाकर हम लोगों ने करीबन 15-1 कॉलोनी तो हमने भेद कराई है। और अभी वैसी बहुत सारी कॉलोनी दो तरह की हैं, एक तो आवासीय ज़मीन पर बनी हुई जो कॉलोनियाँ हैं एक वो है, और एक इस तरह की बहुत सारी कॉलोनियाँ जैसे संत नगर है, संत नगर के आसपास गणेश नगर है, पिपलिया राव के आसपास इसी कुशवा का बगीचा, ऐसे बहुत सारी कॉलोनी जो ग्रीन बेल्ट के अंदर बनी हुई है। और निश्चित है कि दोनों कॉलोनी के लिए ये तो सामान्य रूप से आवास वाली जगह जिनकी है वो तो तुरंत हम लोग पीछे पड़ के, अभी इस समय हमारा लक्ष्य रहेगा कि जितने भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले वो हम पीछे पड़ के कराएंगे।